नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल दम बिरयानी, जिसे आज हम हांडी में बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए जानते हैं वेजिटेबल दम बिरयानी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम चावल को भिगो कर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप चावल, ये मैंने लिया 1 कप। साथ ही हम 1/2 कप और डाल देंगे और इसे हम साफ़ पानी से धोकर करीबन 1/2 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। करीबन 1/2 घंटे बाद एक पतीले में हम डालेंगे पानी, कम से कम 4 कप पानी है ये। पानी में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि तेज़पत्ता 3 से 4 का इस्तेमाल करेंगे, एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, साबुत इलायची डालेंगे हम, मैं यहाँ बड़ी वाली इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही डाल देंगे लौंग 3 से 4, काली मिर्च 7 से 8, नमक डाल देंगे, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच घी। इसमें उबाल आने देंगे। जब तक पानी में उबाल आ रहा तब तक हम सब्जियाँ तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 आलू को बारीक कट करके रखा था, वैसे ही फूलगोभी को कट करके रखा था। साथ ही मैंने ली है गाजर। आप अपनी मनपसंद सब्जियां और भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि फ्रेंच बीन। इसमें 2 बड़े चम्मच हम ताजे दही का इस्तेमाल करेंगे। ऐड करेंगे मसाले, हल्दी पाउडर डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, साथ ही डाल देंगे नमक और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है, दही और मसाले आपस में सब कंबाइन हो जाए। मैं वेजिटेबल दम बिरयानी में आज पनीर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसे भी हम मैरिनेट कर लेते हैं। सेम उसी तरह से इसमें भी हम डालेंगे 1 चम्मच दही, साथ ही डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को हमने अलग से इसीलिए मैरिनेट किया है क्योंकि सब्जी को जब हम कुक करेंगे तो उसको पकने में टाइम लगेगा और पनीर को नहीं पकाना है हमें ज़्यादा। मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम साइड में रख देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, चावल में से हम एक्स्ट्रा सारा पानी निकाल देंगे और चावल को इसमें हम ऐड कर लेंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे हम करीबन 80% तक कुक करेंगे। मतलब पूरा कुक नहीं करना है, बस चावल खड़े खड़े रहना चाहिए, उतना ही हम कुक करेंगे। मैं आगे बताऊंगी आपको कितना कुक करना है। चावल वाले पतीले को हम दूसरे वाले बर्नर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साइड में हम प्याज को फ्राई करके तैयार करेंगे। आप चाहो तो इस बिरयानी में बिना लहसुन प्याज का इस्तेमाल किए भी बना सकते हो। मैं सिर्फ इसे गार्निशिंग के लिए ही प्याज का इस्तेमाल करूंगी। किसी किसी घरों में लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं, उस स्टेज पे आप बिना प्याज के भी इसे बना सकते हो, काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। वैसे भी मैंने करीबन 250 ग्राम प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया था, पानी उसका सारा निकाल दिया था। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। एकदम हमें गोल्डन ब्राउन चाहिए। टाइम लगेगा इसको ब्राउन होने में, बीच बीच में हम चावल को भी चेक करते रहेंगे। चावल हमारे 80% तक कुक है, मतलब ये टूट रहे हैं बट खाने लायक अभी नहीं हुए हैं। इस स्टेज पे इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। चावल को हमने स्ट्रेन कर लिया और इसे हम दूसरे पतीले में ट्रांसफर कर देंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए पानी की भाप से। और इसे हमें ठंडा करना है और खड़े मसाले जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं वो रिमूव कर ले ताकि खाते वक्त ये मुंह में ना आए। अब हम बढ़ते हैं सब्जी को पकाने की तरफ। सारे खड़े मसाले हमने इसमें से रिमूव कर लिए हैं और बीच बीच में इसमें से हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चावल ठंडे हो जाए। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे घी। घी को मेल्ट होने देंगे, बीच बीच में प्याज को भी हम चलाते रहेंगे।
घी जब मेल्ट हो जाए, मतलब गर्म ही होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसमें डालेंगे हम जीरा। मैं यहाँ सिर्फ अदरक डाल रही हूँ, आप चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हो। साथ ही इस पे हम डालेंगे 2 हरी मिर्च जिनको मैंने बड़े टुकड़ों में काटा है ताकि बच्चे खाए तो उनके मुंह में ना आए। अच्छे से 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मैरिनेट की हुई सब्जियां जिसको हमने दही और मसालों के साथ कोट करके रखा था, उसे ऐड कर देंगे और सब्जियों में उबाल आने तक इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि दही हमारी फटे ना। गैस की आँच हम लो टू मीडियम रखेंगे। अगर आप नहीं चलाएंगे तो दही फट सकती है हमारी। सब्जी में उबाल आ चुका है, अब इसे हम ढक देंगे। करीबन 3 से 4 मिनट बाद हम सब्जी को चेक करेंगे। अभी ये कुक नहीं हुई है, अभी खड़ी खड़ी है। इस स्टेज पे हम इस पर डाल देंगे पनीर, क्योंकि 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे इसे, तो पनीर भी आपस में अच्छे से पक जाए। पनीर का दही भी पकना ज़रूरी है, इसीलिए हम 2 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। इसमें उबाल आने देंगे वापस से। उबाल आ चुका है, ढक कर इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। करीबन 2 से 3 मिनट बाद हम सब्जी को चेक करेंगे। सब्जी अभी हमें कम्प्लीटली कुक नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्रंच इस पर बना रहना चाहिए। अभी ये परफेक्टली ठीक है, मतलब कच्ची भी नहीं है, पक्की भी नहीं है। अब जैसा कि हम हांडी बिरयानी बना रहे हैं, तो एक हांडी लेंगे, उसको अच्छे से घी से ग्रीस करेंगे। बिरयानी में तेल का फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो अब घी का ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सब्जी की लेयर। इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चावल जो हमने ऑलरेडी पका के रखे थे। चावल की लेयरिंग कर देंगे। इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम बिरयानी मसाला। आपके पास अगर बिरयानी मसाला ना हो तो आप गरम मसाला का भी उपयोग कर सकते हो। ऊपर स्प्रिंकल करेंगे पुदीना पत्ता। पुदीना पत्ता से बिरयानी में एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ्रेशनेस भी आ जाती है। कुछ केसर के धागों को मैंने दूध में भिगोकर रखा था, दूध में केसर का कलर अच्छे से आ चुका था। 2 से 4 चम्मच हम इसमें केसर के डाल देंगे। साथ ही डालेंगे केवड़ा एसेंस। वापस से इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। जितनी लेयर आपको लगानी है उतनी लेयर आप लगा लें। मैं यहाँ 3 लेयर लगा रही हूँ। सेम सब्जी चावल डालेंगे, बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करेंगे, पुदीना पत्ता डालेंगे, केसर वाला दूध डालेंगे और केवड़ा जल डालेंगे। वैसे तो ये बिना प्याज के भी काफ़ी स्वादिष्ट बनके तैयार होती है, बट मैंने प्याज फ्राई किया है तो उसे भी हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई कर लिया था। सारे एलिमेंट्स डालने के बाद ऊपर से हम प्याज को भी डाल देंगे, और चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। बिरयानी दम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जरा सा इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने जो पानी चावल छानते समय रखा था उसी पानी का उपयोग किया है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच। लास्ट में ऊपर से हम डाल देंगे जरा सा घी, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। ढक्कन लगा देंगे। आटा गूंधा हुआ रखा था मेरे पास, उसको कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर लपेट देंगे। आप चाहो तो सिल्वर फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लोग सिल्वर फॉइल लगाना पसंद नहीं करते और कुछ लोग आटा लगाना पसंद नहीं करते। वैसे ही आटा वेस्ट नहीं जाएगा। इसको सेक कर आप गाय कुत्ते को दे सकते हो। अब गैस की आँच एकदम हम धीमी रखेंगे और इसे हम करीबन 15 मिनट तक पकाएंगे, मतलब दम देंगे इसको हम। बीच में हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है इसे।
खोल के बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ पका हुआ है तो पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। करीबन 15 मिनट बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है। अभी हांडी काफ़ी गर्म है तो मैं 2 से 3 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। आटे को रिमूव कर लेंगे और एक बड़े चम्मच की मदद से इसे हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो बिरयानी का टेक्सचर। मैं आपको स्क्रीन पे इसकी स्मेल नहीं बता सकती हूँ, बट ये इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है, काफ़ी अच्छी बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई है। आप इसे रायते के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, खाने में ये काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। जैसा कि मैंने कहा, आप बिना प्याज के बनाना चाहते हो तो आप वैसे भी बना सकते हो। आशा करती हूँ आपको मेरी वेज बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।